दिन भर में जितने भी अमाल किए हैं, जितने भी नफली इबादात की हैं, अजकार की हैं, खिदमात की हैं, वो किसी भी लेवल पे हैं, वो घर वालों की हैं, वो माशरे की हैं, अल्लाह पाक उन सबको दामे दिल में सुखने कद में उनको कबूल करे, बोलों को भी, वजूद को भी, वजूद से निकलने वाली खैरों को भी, और हमारे वजूद को उम्मत के लिए खैर का जरिया बनाए, हम सब की नस्लों को भी और हम सब के साथ पूरी उम्मत के जिन्नो इनस को इंशाल्लाह हमारी हर हर दुआ में से, हर हर फेल में से उन्हें खैर का हिस्सा बड़ी मिकदार में अता फरमाए इंशाल्लाह लजीज़। क्योंकि हर काम उम्मत को लेके चलना है, और जब भी बैठे इतकाफ़ की नीयत किया करें और बावजू रहने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अल्लाह करीम बावजू बंदों के साथ तो वैसे ही उसकी रहमतें हैं, फजल है, करम है, जिस्मानी रूहानी रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, आफतें बलाएं दूर हटती हैं और दुश्मन जेर होता है। मसनून दवाओं का इतमाम करें, चलते फिरते उठते बैठते, मोमिन की तो पूरी ज़िंदगी ही इबादत ही इबादत है। जागा तो दुआ पड़ी, वाशरूम गया तो दुआ पड़ी, बाहर निकला तो दुआ पड़ी, सीढ़ियाँ उतरा तो दुआ पड़ी, चढ़ा तो दुआ पड़ी, खाना खाया तो दुआ पड़ी, यानी दुआएं ही दुआएं हैं। और जिस मौके की जो मसनून दुआ है वो उस वक्त की बीमारी का इलाज भी है। सदके जाए हमारे इस प्यारे दीन, इस प्यारे मजहब, इस प्यारे कोड ऑफ लाइफ से कि जो मौके की दुआ है वो उस मौके की बीमारी का इलाज है। अगर हर बंदा, हर मोमिन मसनून दुआओं का एहतमाम करे, बावजू रहे, तो इंशाअल्लाह सेहत शिफाओं के साथ उसे अपनी हिफाजती इसार के लिए किसी और टोटके की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम उसके ईमान की भी, उसके वक्त की, उसकी औलाद की, उसके दाएं बाएं की, उसके साथ जुड़े एक एक फ़र्द की खैर अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बोल तासीर वाले हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। और जब भी बैठना है, अक्सर पूछा जाता है कि दुआ का कोई ख़ास तरीका, कोई फार्मूला नहीं है, कोई सेट फार्मूला नहीं है दुआ मांगने का, बस दिल साफ करके बैठें, सबको माफ़ करके बैठें, तवज्जो बना के बैठें, और तवज्जो बनाने के लिए पहले अल्लाह करीम के बड़े बड़े नामों को पुकारें। क्योंकि कुरान में वो खुद फरमा देते हैं कि मुझे मेरे नामों से, अस्माए हुस्ना से पुकारो, तो ये एक हुक्म हो गया ना, कुरान में आ गया है। तो लिहाजा अल्लाह के नामों का थोड़ा सा विर्द कर लिया जाए तवज्जो के साथ। ये नहीं कि ध्यान कहाँ है, जबान से नाम है, वो भी अमल है कि आपकी जिस्म का एक हिस्सा कम से कम जिक्र में लगा हुआ है, लेकिन क्यों ना पूरे वजूद को मुतवज्जे किया जाए। क्योंकि दुआ कैफियतों का नाम है, दुआ लफ्ज कतई तौर पर नहीं है। जब कैफियत बनती है तो फिर आपको लफ्ज बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आपके गुमान के साथ रब फैसले कर फरमा देता है, आपके इशारा अब्रू के साथ वो अपनी करीमी के सारे दरवाजे खोल देता है। बस ये है कि उसके साथ तवज्जो आपकी जुड़ जाए, हम सब की जुड़ जाए। मेरा भी सबक है ये, आपका भी सबक है, क्योंकि आने वाली रात इबादत के लिए अफजल है। वैसे भी अय्यामे 20 हैं, हर रात ही अफजल है, तो उसमें तवज्जो बनानी है, तअल्लुक बनाना है, और तअल्लुक मौला बनाने के लिए हमें गिव अप करना है सारी दुनिया से, लातअल्लुक होके उससे तअल्लुक जोड़ के, सबको माफ़ करके, दिल को साफ करके, सरेंडर करके, सबमिशन, ये रब को चाहिए। क्योंकि वो खुद कहते हैं ना कि आप सारे ही फकीर हो, तो जो फकर है उसको करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जब रब ने फैसला कर दिया कि तुम फुकरे में गनी, तो फिर गनी के सामने जब जा रहे हैं तो फिर अकड़ काए की, फिर तो सारे ताज तखत छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर उबा कुबा उतार के जाना पड़ेगा। देखा ना आज के दौरान वो आराम पहना देते हैं उम्रे के दौरान, मेरे दर पे आ रहे हो सारे ताज उतार दो, ठीक है ना, सारे लबादे उतार दो और इसे बाहर रख दो हरम के, फिर अंदर जाओ। जब वापस आओगे तो किसी को वाया मिलेगा, किसी को ताज मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, उधर फैसले हो जाएंगे। तो लिहाजा उसके सामने, वैसे भी ताज पहने हो तो सजदा करने में भी दिक्कत होती है, तो सारी अकड़ छोड़ के, सारे नखरे छोड़ के हमें सिर्फ सबमिशन दिखानी है। यही दुआ का बुनियादी जुज है, कैफियत बनानी है लफ्जों पे, उसमें साबके ला के उसको नहीं चाहिए, उसको शायरी नहीं चाहिए, उसको लफ्जों की गर्दान नहीं चाहिए, उसको रेपिटिशन नहीं चाहिए। आप अपने जज्बों के साथ, मैं अपने जज्बों के साथ तवज्जो, यानी उसकी तरफ मतवज्जे हो जाना है। और सबसे पहले यानी यूं करें कि जब भी आप साल में जिस बार भी, जिस वक्त भी दुआ के लिए बैठे, जब आप अक्सर फील होता है ना कि कैफियतें बनने लगी हैं, कनेक्शन जुड़ने लगा है, तो उस वक्त फौरी तौर पे
इसका अगर अमल को कर लिया जाए कि अल्लाह करीम मैं तुझसे सबसे पहले तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ कर दे मेरे करीम मालिक दाता सखी माफ़ कर दे। देखिए ना, आप दुनिया में भी किसी बड़े के पास अगर किसी का ताल्लुक गांव से देहात से है तो उसे अंदाज़ा होगा कि चौधरी साहब दी शान, चौधरी साहब दे पाग लगे रहन, अरे परे रहो, यानी वो उसके ना शान बयान की जाती है। तो मेरा रब कायनातों का मालिक क्रिएटर खालिक, तो उसकी शान कैसे ना बयान की जाए, जितनी सोनी बयान कर ली जाए। तो सबसे पहले सारे अमाल उसकी मखलूक को हदिया किए जाएं कि अल्लाह करीम आज हमने जितने नेक नफली अमाल किए हैं, वो कौल है, वो फेल है, वो माली मदद है, कुछ हमसे तेरी रहमत से सरजद हुआ है अच्छा अमल, तो हम आज के अपने सारे नफली अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करते हैं हदियतन तोफतन, और उनके तुफैल उनके वसीले से पूरी उम्मत के जिन्नो इनस पे अल्लाह करीम उनकी रहमतें उन अमाल की बरकतें नाजिल फरमा दे। और अब मैं अकेली कल्ली कारी खाली तेरे सामने बिल्कुल गुनाहों से लथड़ी पथड़ी, दुनिया मेरे आस पास चिमटी हुई है, मैं उसे निकालना भी चाहती हूँ तो निकाल नहीं पाती, मेरे अंदर अना के बुत हैं, मैं अल्लाह करीम तोड़ नहीं पा रही, मैं बेबस हूँ, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, मैं खाली हूँ, अमाल जो थोड़े बहुत थे मैंने उम्र के अमाल उम्मत को हदिया कर दिए, तेरे हबीब की उम्मत को, तेरी प्यारी मखलूक को जिसको तूने बनाया है, जिसे तू चाहता है, अब मैं खाली रह गई हूँ, मैं खाली पांडा तेरे सामने हूँ, तू अपनी रहमत से एक कतरा जे बख्शे मैनू कम बन जाता मेरा। तो इस तरह सरेंडर करके उसके सामने हाथ उठाएं, लेकिन ये कि हमारे माली मामला दुरुस्त हों, हमने अपने कर्ज अदा किए हों, रिस्क हलाल हमने खाया हो, अपने आसपास किसी इंसान को ना दिखाया हो, हम सास हैं तो या बहू हैं, हमने एक दूसरे को ना दुखी किया हो, हमने दामाद जो भी रिश्ते हैं दरानियां जेठानियां उन सब से यानी मामला दुरुस्त होंगे तो दुआ की कबूलियत जो है वो तीर बहद्दफ होगी, ठीक है ना, वो निशाने पे आपके मुंह से निकलेगा, बल्कि लफ्जों की जरूरत नहीं है, मुताजी नहीं है, आपकी चाहत में पेरा रब फैसले करा देगा, लेकिन मामलात आपने दुरुस्त करने हैं। देखिए दुआ के मकाम पे तो सब भी दुआ करते हैं ना दूसरों के लिए, मजा तो जब है कि बद दुआ के मकाम पे दुआ की जाए, ये मेरे रब को चाहिए, उसकी सारी मखलूक उससे बड़ी प्यारी है, जिन्हें हम बड़ा समझते हैं कि खुदा न खास्ता वो बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो उन्होंने क्या पता रातों रात अल्लाह से मामले साफ़ कर लिए हों, तौबा इस्तग़फ़ार करके और हम बदगुमानी का गुनाह अपने सर लेके और अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं, अपना तकब्बर बढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूसरों के बारे में खुशगुमान रखा जाए, उन्हें डाउट ऑफ बेनिफिट दिया जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि भाई उनसे कोई गलती हो गई या तो कोई बात नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, नादानिस्तगी में हो गई होगी, किसी पे कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए, हम कौन होते हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी औकात तो इतनी है कि अगर अभी हमें हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो है वो 99 से 100 हो जाता है तो हमसे उठा नहीं जाता, या डायरिया हो जाए दो दफ़ा वाशरूम जाएं तो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते, गंदे कतरे की तख्लीक और हम बड़ी बड़ी बातें करें और लोगों पे इल्ज़ामात लगाएं और लोगों को दुखी करें। इसलिए अगर दुआ की कबूलियत हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें तवज्जुहात के लिए पहले मखलूक से खुशगुमान हो जाना है, बदजन नहीं होना किसी से और किसी की कंसुइयाँ और टो नहीं लगानी, अपनी स्टेयरिंग पे नज़र रखनी है, ये जन्नतुल फिरदौस तक का सफ़र है, ऐसा ना हो कि मैं हम हाईवे पे आसपास की गाड़ियों को देखते हुए अपनी गाड़ी की टक्कर कर लें, अपना स्टेयरिंग जीपीएस में जन्नतुल फिरदौस डालें और जन्नत की राहों पे ये कब्र तक का थोड़ा सा फासला है, इंतहाई धीमे नीमे नीमे होके उसको पूरा करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के मामलात की क्रेद और टो लगाते और तमस्खर उड़ाते हम अपनी मंजिल खोटी कर बैठे और कहीं गलत एग्जिट ले लें। तो इसलिए मेरे समेत ये हम सब के लिए अगर दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो मखलूक की तरफ कंसुई और टो ना लगाएं बल्कि अपने मामलात की फिक्र करें और जन्नतुल फिरदौस अपना गोल और टारगेट करते हुए हर वो काम करें
जिससे वो राहें आसान हो जाए और शॉर्टकट मिल जाए, क्योंकि पता तो है नहीं किस वक्त हमें सरप्राइज क्वेश्चन ईयर दे दिया जाए मौत की सूरत में, और हमारी आंखें खुली की खुली, जबान बाहर, मुंह खुला हुआ, क्योंकि सामने जन्नत और दोजख पेश कर दी जाएगी, बल्कि आने वाले फरिश्ते ही ये बता देंगे कि कैसी रूह है जिसको लेके जा रहे हैं। बंदे की, जाने वाले की क़यामत उसी वक्त आ जाती है जब फरिश्ते दस्तक देते हैं, उस पे सारे जहान खुल जाते हैं, और जो हमारा जिंदगी का मामूल होगा, अमाल का, वही आखिरी वक्त भी होगा। जैसे लोगों में बैठते होंगे वही लोग दिखाए जाएंगे, जिन सोबतों में बैठते होंगे वैसी सोबतें आखिरी वक्त में दिखाई जाएंगी, और हमारे जनाजों में आने वाले लोग वही होंगे जिनसे हम जिंदगियों में मिलते मिलाते हैं। हम अपने जनाजों का क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, जितने लोगों से हम दोस्तियां कर रहे हैं, जिनके साथ बैठते हैं, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो रूहानी है, वो जिस्मानी है, वो सोशल मीडिया का है, वो सब हम अपने जनाजों के लिए मखलूक इकट्ठी कर रहे हैं। यही लोग हमारे जनाजों में होंगे और यही फैसले करवाएंगे, आमीन कह के, गिड़गड़ा के, दुआएं मांग के। तो लिहाजा हमें सोबते सहालीन दुआओं की कबूलियत के लिए लेनी है, अपनी जन्नत की राहें जो है वो आसान करने के लिए, और जब दुआ के लिए बैठना है तो तवज्जो कैसे बनानी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं तवज्जो बन नहीं पाती, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी, आपके साथ मिल के, ये मेरा भी सबक है, आपका भी सबक है, ना मेरे अल्फाज अपने, ना मेरे कुछ भी नहीं है, खाली हूँ बिल्कुल, जाहिल मुतलिक हूँ, मुझे इस इतराफ़ में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपने बुजुर्गों से खुशा चीनी करती हूँ, उनसे सीखती हूँ, उनसे उनसे लफ्ज़ लेती हूँ, उनसे सीखती हूँ, तो मैं आपके साथ बैठ के यूँ समझें कि ये हमारी कंबाइंड स्टडी है जो हम कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उस इम्तिहान की जो जमीन के चंद फिट नीचे जल्दी हम सब पे आने वाला है। और ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के मददगार ना बने। जब आग लगी होती है ना तो अपने प्यारों को बचाते हैं, पकड़ पकड़ के खींचते हैं। ये आग लगी हुई है, ये ग्रुप्स में लोगों को बुलाना, इन्विटेशन देना, खींच खांच के लाना, कोई इलेक्शन लड़ना है किसी ने किसी के साथ कोई मुकाबला करना है, कोई मेडल मिलना है, कोई एजाज है, ये हर कोई अपने घरों में सुख से बैठे, काफी पिए, अपनी इबादत करे, अपने मियां फैमिली के साथ टाइम गुजारे। किसको पड़ी हुई है ये कल्पन जिसको लग जाती है ना उम्मत की, ये ऐसी आग है, अल्लाह करे हर दिल में लग जाए कि उम्मत को खैर की तरफ लेके चलना है, फिर दुआओं की कबूलियत इंशाल्लाह बड़ी आसान हो जाएगी। तो तवज्जो बनाने के लिए अगर आप मैं ये करें कि हम हरम के दरवाजे पे पहुंच जाएं। बाज लोग कहते हैं कि हम बनाते हैं ये तस्वर के हरम में बैठ जाएं, लेकिन हमारा तस्वर बनता नहीं। कोई बात नहीं, हरम के बाहर पड़ी जूतियों के ढेर पे बैठ जाया करें, वहां दुआ और ज्यादा कबूल होती है, अतीम तक नहीं रसाई होती। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, किसी बाबे उमर पे पहुंचे तो सही ना, किसी किसी बाबे अब्दुल अजीज पे बैठे तो सही ना, बैठ जाए कि तेरे दर के फकीर हैं, कोई चौखट ही नहीं है, तू घर वाला हम दर वाले, हमें दूर दूर ना कर, हम पे अपने दर के दरवाजे वाह कर, हमें माफ कर, हमारी नस्लों को कबूल कर, पूरी उम्मत को कबूल कर, हमसे जुड़े एक एक फर्द को कबूल कर दे। हम पत्थर हैं, जो हमसे जुड़े हैं वो पारस हैं, हमें भी पारस कर दे, और सबसे बड़ा पत्थर तो मैं हूं, अल्लाह करे आपका नूर मुझे मिल जाए, आपकी तस्वीर मुझे मिल जाए, और हम सब जन्नतुल फिरदौस में जैसे यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस के बासी बन जाएं। तो ये तवज्जो बनाने के लिए हरम या मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना का कोई तसव्वुर बनाएं। हरम के अंदर, काबा के अंदर का भी तसव्वुर बन सकता है कि आपको वो सारी ऊद की खुशबुएं आपकी नाक को छू रही हैं, आपके हरम का पर्दा आपके आपके नथनों में आप फीलिंग कर रही हैं, उसकी आप पे रहमत की बारिश पड़ रही है, और आंसू हैं और रहमत की बारिश है, और अरश पे रब है, आप मांग रही हैं वो दे रहा है, झोलियां भर रही है, और इतनी भर रही हैं कि आप अपने छलकते में से मखलूक को दे रही हैं। और फिर दुआ पे टाइम लगाएं, हमें ये होता है कि नमाज पढ़ी सलाम फेरा, क्योंकि नमाज पे दुआ पे एक फरिश्ता शैतान मुकर्रर है जो ये कहते हैं जल्दी करो, जल्दी सालन जल गया, जल्दी करो, उठो, ये काम कर लो, वो कर लो, उठाता है जाए नमाज से, इसलिए पक्के बन के बैठने और दुआ के लिए वक्त लगाएं, घंटों लगाएं, आधा घंटा तो कम से कम दुआ के लिए स्पेयर करें टाइम।
फिर इंशाल्लाह आदत बनेगी, और जिसको दुआ मांगने की तौफीक मिल गई उसको खैर कसीर मिल गई। इस हदीस के मफहूम को आप जहन में रखें और इंशाल्लाह तवज्जोहात बनेंगी, अल्लाह पाक अपनी रहमत से अता फरमाएंगे। और अगर ना भी बन रही हो ना, तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक्दस को आप तसव्वुर कर लिया करें कि आप फूलों का टोकरा हाथ में लिया हुआ है, वहाँ बैठी हुई हैं हज़रत अली करम अल्लाह वजह, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी फूलों के टोकरा लिए वहाँ बैठी हैं उनके कदमों में। तो वजूहात के असूल के लिए ये एक बहुत बड़ा अमल है। सूरत फातिहा पढ़े, सूरत इखलास पढ़े, उनकी अरवाह को मुबारक को हदिया करें, अहले बैत को हदिया करें, उम्मत के जिन्नो इनस को, असलाफ को हदिया करें, तो इंशाल्लाह फिर तो वजूहात बनेंगी। लेकिन टाइम लगाएंगे, अफरा तफरी की दुआ नहीं इंशाल्लाह। और आज रात हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारे मिल के, अपने अपने तौर पर, अपने अपने मकाम पर, और ज़ाती इज्तमाही नहीं, ज़ाती नफली बातें ज़ाती करते हैं तवज्जो वाली इंशाल्लाह। अल्लाह करीम आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आप सब के बैठने को अपने ख़ास ख़जानों में शर्फ़ कबूलियत बख्शे, और अपनी कबूलियत की सुनहरी तरीन मोर उस पर इंशाल्लाह लगाए, और मैं भी सीख जाऊँ दुआ करना, आप भी सीख जाएँ मरते दम तक इंशाल्लाह तालिब इल्म हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आली सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या करीम या करीम या करीम। ए मेरे करीम अल्लाह, ए गफूर रहीम रब, हम सारे बड़े दुनिया में लथड़े पथड़े से लोग हैं, तेरी रहमत से बैठ गए हैं, अब हमें माफ़ भी कर दे। हम अपने गुनाहों पे बड़े शर्मिंदा हैं, हम तुझसे तौबा करते हैं, अस्तगफार करते हैं। तू माफ़ करने की ताकत रखता है, माफ़ करना तुझे पसंद है, तू गफूर रहीम, हम सबको माफ़ कर दे। हर उस गुनाह पे जो हमने जानबूझ के ढिठाई से किया, हर उस गुनाह पे जो हमने से न जाने में हो गए, तू वो भी माफ़ कर दे। हम सबको नमाजों का, मसनून दुआओं का अल्लाह करीम पाबंद बना, और फिर उनको कबूल भी फरमा ले। ऐ मेरे गफूर रहीम, हम सबको और पूरी उम्मत को इस दुआ की तासीर अता फरमा। हमें, हमारी नस्लों, उम्मत को बेऐब रख, उनके लिए बेऐब जोज मुंतखब फरमा, उन्हें बद अखलाकियों से बचा अल्लाह करीम, हराम रिस्क से बचा, उनसे ऐसे काम ले जो नेक नामी का बायस हों, हर आफत हर मुसीबत से बचा, और इस्लाम को फैलाने में कलमे की ड्यूटी के लिए हम सबको, हमारी नस्लों को, उम्मत को कबूल फरमा ले। तासीर के साथ, इखलास के साथ, आजजी के साथ, कमूदियत इंदिल्ला की मोहर के साथ, हम में से जो कमज़ोर है उसे तू कभी कर दे। हमें शिर्क से बचा, बिद्दत से बचा, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा, हमारा आखिरी बोल कलमा कर दे। अल्लाह करीम, हम एक दफ़ा कलमा पढ़ के तेरे पास अमानत रखाते हैं, तुझसे ज़्यादा अमीन हमें कायनात में कोई नहीं मिला। आखिरी वक्त में लोगों को हमारे आसपास ये ना कहना पड़े कि कलमा पढ़ो, बस तू ये हमारी अमानत हमें वापस कर देना, हमें लुटा देना, और इंशाअल्लाह तू ज़रूर लुटाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करीम हमसे तकलीफ़ दूर कर दे, दुख दूर कर दे, सदमे दूर कर दे, हम सब के घरों को, उम्मत के घरों को आबाद कर, घरों में सच्ची मोहब्बत प्यार, जो बिछड़े रूठे नाराज सबको मिला दे। अल्लाह करीम तू मनाने वाला है, सबके दिल में जो जो तमन्ना मुराद ख्वाहिश है उसे आफियत बरकत के साथ कबूल कर दे। देश परदेश में हमें इज्जतें, चैन, अमन, सुकून, सलामती, आफियत अता फरमा। हमसे तंग दस्ती दूर कर अल्लाह करीम, माल की वसत अता फरमा कि तेरे लिए खर्च करें, जिस्मानी रूहानी रिज़्क़ के खजाने वा कर, बहा दे खजाने उम्मत पे, उम्मत के दुख दूर हो जाएं, एक दूसरे के दुख बांटें, मखलूक पे खर्च करें, जो गोदें खाली वो भर दे। ऐ अल्लाह, जो मुसाफिर हैं उनको खैरियत, जो तेरे हरम में बैठे हैं उनकी, उनको अल्लाह करीम आफियत दे, जो बीमार शिफाए कामला पा जाएं, जो गुजर गए अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत की बारिश कर, उनकी रूहों को ठंडा रख, उनके दर्जात को बुलंद कर, उनके कब्रों में जन्नत की खिड़कियां खोल। अल्लाह करीम हम सबको जन्नतुल फिरदौस के बुलंद तरीन दर्जात में ऐसे ही मिला के बैठाना, हमें पुलसरात पे साबित कदमी के साथ, दाएं हाथ नामा माल के साथ।